Good morning, students. Am I audible? Please raise your hands and tell me. Can you hear me? Yes, yes, ma'am. All of you? Yes. Section F, can you hear me? Please raise your hand if you can. Yes. Okay. So last time we did chapter acid, bases and salt. Bada Okay, so do you remember what we did last time? What are acids, what are bases, and what is salt? Acid is anything which can give H positive ion. थोड़ा सा आज लेवल अप करते हैं हम एसिड को वो बोलेंगे जो भी एच पॉजिटिव अपना इजीली दे देगा. हमारे लिए बेस वो होगा जो ओ एच नेगेटिव इजीली दे देगा. एसिड की स्ट्रेंथ हमने की थी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड राइट. सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. जो एसिड अपना एच पॉजिटिव इजिली दे देता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच कैन डिसोसिएट इनटू आयंस इजिली एंड गिव ऑफ इट्स एच पॉजिटिव आयन इजिली दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. और जो एसिड अपना एच पॉजिटिव आयन easily नहीं donate कर पाता that is a weak base. Similarly bases के लिए भी जो अपना OH negative easily donate कर देगा that is a strong base. And जो अपना OH negative इतना easily donate नहीं कर सकता है that is a weak base. Strong acids का example जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दो तरह के एसिड्स बताए थे. एक बताया था ऑर्गेनिक एसिड्स और एक बताया था मिनरल एसिड्स राइट. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं जो कि है मिनरल एसिड्स और उसका एग्जांपल हमने किया था नाइट्रिक एसिड HCl H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड्स. All of them are strong acids which can easily donate their H positive ion. And what are strong bases? Strong bases hain aapke paas jo maine periodic table mein aapko bataya tha first two lines. I hope aap mein se kuch bacche ghar jaake kisi ne dekha periodic table mein first two lines mein wo elements. Raise your hands jinhone dekha periodic table mein. Nobody? प्लीज जाना घर और एक बार देखना कभी फोन पे गूगल पे पीरियोडिक टेबल सर्च करके कौन से एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट टू लाइंस में हैं. वो एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग मेटल्स बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं. बेसिस जैसे कि NaOH हो गया MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं विच हैव टेंडेंसी टू गिव ऑफ देयर ओएच नेगेटिव आयंस वेरी इजीली. सो दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. अब जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं राइट. अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेगा जैसे कि HCl एंड NaOH तो क्या बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर वाटर राइट. तो यहां पर एसिड विल गिव ऑफ इट्स H पॉजिटिव आयन base will give off its OH negative ions which will combine to give you water. और क्या बचा आपके पास Na
Cl. Which is salt, right? So strong acid and strong base अगर आपके पास combine करता है तो neutralization reaction होती है and you get a salt. लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि आपका acid strong हो या आपका base भी strong हो. It could be like strong acid and weak base का combination or weak acid and strong base का combination. तो ये combinations भी possible हैं. तो इसमें भी salt तो form होगा, लेकिन what type of salt is it? Like acidic और basic भी होते हैं. Salt में भी उनकी acidic या basic nature होता है. अगर आपके पास strong acid है, weak base है, तो completely तो वो neutralize नहीं करेगा. Acid की strength ज्यादा है, तो ओवरऑल जो आपके पास सॉल्ट बनेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, राइट. और अगर आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद ओवरऑल आपका क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था तो जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू विल बी हैविंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. It could be a combination of strong acid, weak base giving you acidic salt and weak acid, strong base giving you basic salt. Magar ye bhi neutralization ke hi reaction hai. Okay, last time maine aapko bataya tha ki acid mein क्या क्या कौन कौन से reactions हमने वो मैंने कहा था theoretically भी अपने mind में वो set करना है ताकि आप जो भी आपको compounds दिए जाते हैं formula दिया जाता है आप उसके उन theoretical equations के according classify कर सको कि what is going to be the reaction. Like I told you अगर आपके पास acid है आप इसको metal के साथ react करते हो what do you get? Acid plus metal gives you salt plus hydrogen. Very good. Salt plus hydrogen. Right? And acid plus base gives you salt plus. Okay. Then acid plus metal carbonate. Plus water plus carbon dioxide, right? And acid plus metal bicarbonate will give you salt plus carbon dioxide, but balancing mein bas difference rehta hai. Ab dekho, ye yahan par aapko lag raha hai, yahan to acid hi hai. फिर यहाँ चीजें चेंज हो रही हैं, बाकी भी ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. आपको ये समझना है क्या चीज एसिडिक होती है और क्या चीज बेसिक होती है. लाइक अगर मेटल यहाँ पर जैसे ये मेन इक्वेशन है कि एसिड के साथ जब भी आप बेस ऐड करते हो यू गेट सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज द मेन इक्वेशन. ठीक है, तो बाकी सारी चीजें भी इसी को फॉलो कर रही हैं. ये जो मेटल है, मेटल के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई थी जिसमें हमने कुछ मेटल्स भी कवर किए थे. तो वो जो भी मेटल्स हैं उनकी जो भी ऑक्साइड्स हैं, मेटल की ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जब मेटल इन आयन्स के साथ मिलके कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इनके साथ मिलके कंपाउंड बनाता है उसका नेचर बेसिक होगा. मेटल के कंपाउंड्स बेसिक होते हैं नेचर में. हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन वो हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो. तो आप इसको जनरलाइज करो अपने लेवल पे कि मेटल के जो भी कंपाउंड्स होंगे वो बेसिक होंगे नेचर में और नॉन मेटल के जो भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर
acidic in nature. ठीक है, metal के compounds basic in nature और non-metal के compounds acidic in nature. अगर मेरे पास HCl है, ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल मेटल पुट करती हूँ तो ये भी बेसिक है नेचर में, ठीक है, तो ये एसिड प्लस बेस हुआ, दिस इज एसिड. इफ इट इज नॉट बेस इट इज बेसिक इन नेचर. बेसिक या बेस या एल्कली आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे बेस का जो मैंने इनिशियली आपको बताया कि बेस आप किसको बोलते हो, बेस की हम एक डेफिनेशन में हमने ये बोल दिया कि OH नेगेटिव आयन जो रिलीज कर सकता है. एक्चुअली उसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन रिलीज कर सकता है, जिसको हम एल्कलीज बोलते हैं. जो बेसिस है, बेसिस और एल्किली में क्या डिफरेंस होता है, जितने भी बेसिस है वो हम उसमें हाइड्रोक्साइड एंड हर कोई बेस नहीं देता है, ठीक है, जो बेस वाटर उसमें ऐड करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करे वो बेस को हम एल्किली बोलते हैं, ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू ये बेसिक है नेचर में, लेकिन इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन तो नहीं है. सोडियम कार्बोनेट बेसिक है नेचर में, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है उसके पास. सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक है लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है. तो जो बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन हमें देगा दैट इज कॉल्ड एल्कली, ठीक है. तो सारे बेसिस जो हैं वो एक्चुअली एल्कलीज नहीं हो सकते, क्योंकि एल्कलीज हम स्पेसिफिकली उन्हीं बेसिस को बोलते हैं जो हमें OH नेगेटिव आयन फर्निश करके देगा व्हेन वी ऐड वाटर टू इट, राइट. सो जितने भी बेसिस हैं दे कैन नॉट बी कॉल्ड एल्कली, बट जितने भी एल्कलीज हैं दे आर एक्चुअली basic in nature. So एक line आपको लिखी question के form में दी जा सकती है that all alkalis are bases but all bases are not alkalis because alkalis are only those bases which furnish OH negative ions on adding water to it. ठीक है, आपको difference पता होना चाहिए base और alkalis में. Okay, तो फिर कमिंग बैक टू द मेन इक्वेशन जो मैंने बोला, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. लेकिन वाटर तब मिलेगा ना जब आपके पास इक्वेशन में हाइड्रोक्साइड आयन होगा, तभी एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कंबाइन करते हैं. तो यहाँ पर सिंपल एसिड है लेकिन बेसिक नेचर का मेटल है, तो सॉल्ट तो बनेगा लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, तो साथ में सिर्फ H2 रिलीज होता है. बट जब आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन वाला प्रॉपर बेस होगा उस टाइम पे आपको मिलेगा सॉल्ट के साथ वाटर, ठीक है. और अगर आपके पास एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट है तो वो भी बेस है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेटल के जितने भी कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर बेसिक इन नेचर. सो एसिड के साथ जब बेसिक नेचर वाली चीज मिलेगी तो आपको सॉल्ट तो मिलेगा, साथ में आपको वाटर मिलेगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है. सो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है वाटर के लिए, you don't have hydroxide ion here, पर आपके पास कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की एफिवेसेंस इसमें मिलती है, ठीक है. सो दिस कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट दैट इज बेसिक इन नेचर, तो अगेन एसिड प्लस बेस पे आपको सॉल्ट फॉर्मेशन मिलती है. और अगर आपके पास यहाँ बेसिक नेचर में सोडियम बाइकार्बोनेट भी हुआ तो बाइकार्बोनेट के टाइम पे भी आपको क्या मिलेगा, एसिड के साथ बाइकार्बोनेट भी बेसिक है, ठीक है, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट.
तो वही इक्वेशन है जो हमने एसिड के लिए की थी, बस अब वहां पर बेस की जगह इट कुड बी मेटल विच इज बेसिक इन नेचर, इट कुड बी सोडियम कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर, इट कुड बी सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर, या फिर ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपके पास बेस के बारे में। I hope you've got the assignment. Let's discuss some questions of the assignment ताकि ये चीजें आपको थोड़ी और क्लियर हो। Last time we also did that indicator वाला portion जिसमें आपको अलग अलग तरह के indicators, olfactory indicators and their color changes acidic solution में किस तरह का color वो show करेंगे और basic solution में किस तरह का color show करेंगे वो मैंने आपको बताया था। So coming to the first question, acids. Question one is, a teacher gave two test tubes to the students, one containing water and the other containing sodium hydroxide. He asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which one of the following can be used for identification? Litmus solution. Sodium hydroxide is what type of it is it? Is it a acid or a base? Base. Okay. So what is the correct option for this? Will it turn it will it be the blue litmus, red litmus, sodium carbonate solution or dilute hydrochloric acid? Red litmus. It is red litmus. Right, Joe? Acid hand that turns what kind of litmus it turns to which color? Acid turns blue to red and base red to blue. Okay, second question is, the pH of a solution is 7. How can you increase its pH? पहले तो last time भी हमने थोड़ा सा शायद किया था, pH का मतलब क्या होता है? pH का मतलब होता है हाइड्रोजन, एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में, वो हमें पता चलता है पीएच से। ठीक है, अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन में, हम उसको बोलते हैं कि वो एसिडिक है नेचर में। जितना एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला है जो आपको अभी यूज नहीं होगा, बट पीएच इज माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो क्या होता है, थोड़े सा इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो तो बताऊं। जैसे मैंने बोला एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो एसिडिक होगा वो नेचर में। अब यहाँ आपको वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में दिख रहा है, तो ऐसे सोच सकते हो कि हाँ एच पॉजिटिव अगर ज्यादा होगा तो मतलब पीएच भी उसका ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो लॉग, अभी आपने लॉग टेबल का यूज नहीं किया है, जब आप लॉग टेबल का यूज करोगे तो आपको एक्चुअली पता चलेगा लॉग लगने के बाद इट बिकम्स काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। जहां पर भी लॉग लगता है ना किसी वैल्यू पे, तो वो इनवर्स रिलेशन जैसे बिहेव करता है। तो मतलब यहां पर अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, तो पीएच में आप जैसे जो पीएच स्केल हमारा रहता है वो हमारा 1 to 14 के बीच में रहेगा, 7 पे न्यूट्रल, सो दिस इज एसिडिक। ठीक है, बिलो 7 एसिडिक है, 7 पे न्यूट्रल है और अबव दिस इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो मतलब एसिडिक कब होगा, जब पीएच आपकी 7 से कम हो। ज्यादा एसिडिक कम हो कब होगा, जब पीएच ज्यादा कम, मतलब अगर किसी की पीएच 1 है और किसी के पीएच आपके पास 4 है, सो विच इज मोर एसिडिक, 1 or 4? 1। ठीक है, जितना पीएच कम है उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर पीएच आपकी
8 है और 8 की pH आपकी 10 है. ये pH, ठीक है, अगर आपको ये पहली बात, जिसकी भी ये pH होगी 8 या 10 वो एसिड नहीं होगा, वो कैसा होगा नेचर में? बेसिक होगा, ठीक है, बिकॉज पीएच जिसकी 7 से ज्यादा होती है वो बेसिक होता है नेचर में. अब अगर किसी की पीएच ज्यादा है तो उसका एसिडिक नेचर कैसा हुआ? लेस और मोर? लेस, ठीक है. अमंग दीज टू, एक है पीएच 8, अगर एक है पीएच 10, विच इज मोर एसिडिक एंड विच इज मोर बेसिक? जिसकी पीएच ज्यादा है, ठीक है, वो मतलब वो बेसिक करेक्टर पूछा है, तो पीएच जिसकी ज्यादा है दैट इज मोर बेसिक. तो इन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू, अ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 7, हाउ कैन यू इंक्रीज इट्स पीएच? अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 है, आप उसकी पीएच कैसे इंक्रीज कर सकते हो? द फर्स्ट ऑप्शन इज बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? पीएच इंक्रीज करनी है, so you need to add base to it, so B is the correct option. Third question hai, a few drops of phenolphthalein indicator were added to another solution, another unknown solution X, it acquired pink color. Now another unknown solution Y was added to it drop wise and the solution becomes colorless. What are the solution X and Y? तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि phenolphthalein जो है वो basic solution में क्या color exhibit करता है और acidic में क्या color exhibit करता है. So it becomes which color in base? Pink. So solution X कैसा होना चाहिए आपका? Basic होना चाहिए because it is turning pink. And Y is what is the nature of solution Y? Acidic. Because phenolphthalein turns colorless in acidic solution. So the correct option is? A. Good. Then is the graph given below depicts the pH value of 4 different chemicals A, B, C, D. Which of the following is least acidic? आपको बताना है इनमें से least acidic कौन है? Y D. What is the pH of D in the given graph? 14. ठीक है, तो जितना ज्यादा pH होगा that means उतना वो कम acidic होगा. So D is the answer. Fifth question. Given below are certain chemical properties. First option says it turns blue litmus red. Second, it turns red litmus blue. Third says it reacts with zinc and gas is evolved. And fourth says it reacts with solid sodium carbonate to give brisk effervescence. Which of the above properties are shown by HCl? HCl inme se kya kya kar sakta hai? Can it turn blue litmus red? Yes, it can turn. So first is correct. Can it turn red litmus blue? No, it cannot. ठीक है, तो second option is out. Third option says, can HCl react with zinc and give off a gas which is hydrogen? Yes. ठीक है, जिंक के साथ चाहे आप एसिड एड करो जिंक में, चाहे आप बेस एड करो, आपको hydrogen gas evolved milti hai. The third is also correct. Fourth says it reacts with solid carbonate to give brisk effervescence. HCl aisa karta hai ki aap displace karke reaction mein se carbon dioxide evolve kar sake? Yes. So first is correct, third is correct and fourth is correct. So correct option is A.
So C is the answer. Next question. The pH of the gastric juices releases during digestion is हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. कैन यू टेल मी पीएच किस किस नंबर के अराउंड होती है? व्हाट इज द पीएच इनसाइड आवर स्टमक? लेस देन सेवन तो फाइन. व्हाट इज द एक्चुअल रेंज? रफली बता दो, व्हाट इज द रेंज ऑफ द पीएच इनसाइड द स्टमक? Anybody, please raise your hands and tell me value of pH inside our stomach. Approximately 1.2. It is around 2. Okay, between 2 to 4 wo ho sakte, depend karta person to person, but it is around 2. So here, according to the options, first option is correct, which is less than 7. Acidic pH rehti hai hamare stomach ki, acid release hota hai, which helps in digestion of food. Coming to next question, the oxide of a metal M is water soluble. When a blue litmus strip was dipped in the solution, it did not undergo any change in color, but it changed the color of phenolphthalein. What is the nature of oxide? Basic. I told you, metal ke jitne bhi compounds hai, oxides, hydroxides, carbonates, sulfate, nitrates, they all are basic in nature. So second option is the correct one. Next question. The pH of three solutions, X, Y, and Z are 6, 4, and 8 respectively. Which of the following is the correct order of the acidic strength? Kaun sa ispe sabse zyada acidic hai X, Y, Z mein se? Y. Jiski pH kam hogi, that is more acidic. What is the pH of Y? 4. What is pH of X? 6. What is pH of Z? 8. जैसे जैसे pH बढ़ती जाएगी, acidic strength कम होती जाएगी, ठीक है? So the correct option for this is? C. Fine. Next question. Choose the incorrect statement among the following. First is, tamarind, tomato, and sour milk are the natural sources of tartaric acid, citric acid, and lactic acid, respectively. Second option is, acid turns phenolphthalein solution pink and the base make it colorless. Third says, bleaching powder is used in disinfecting drinking water. And the fourth one says, during electrolysis of brine, which is aqueous NaCl. Chlorine gas is given off at anode and hydrogen gas is given at cathode. You need to choose the incorrect statement out of things. Can you tell me which one is incorrect? B. No. What kind of acid is present in tomato? Which acid is present in tomato? Oxalic acid. So, aap first statement dhyan se padho. First statement says, tamarind mein tartaric acid hai, tomato mein citric acid hai. Citric acid is found in fruits, citrus fruits. Orange ho gaya, lemon ho gaya. Theek hai? So, this is the incorrect one. Right? Wahan par kya hona chahiye? Citric acid ki jagah oxalic acid hona chahiye. Second statement says acid turns phenolphthalein solution pink or base mein it is colorless. Is it correct? No. Yes. Acidic solution mein what color does phenolphthalein show? Colorless. Ye bhi to galat ho gaya na, second bhi galat ho gaya. Bleaching powder is used for disinfecting drinking water. ड्रिंकिंग वाटर के लिए वैसे कौन सा क्लोरीन आप यूज? ठीक है, क्लोरीन यू यूज. ठीक है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है दैट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज द करेक्ट वन. आई थिंक आप यहाँ पर अगर करेक्ट कर लो
तो वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. इनकरेक्ट के बजाय अगर हम करेक्ट ऑप्शन कर ले तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. राइट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन सेज एसिटिक एसिड वॉज एडेड टू अ सॉल्यूशन एक्स केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब. A colorless, odorless gas was evolved. The gas was passed through lime water, which turned milky. It was concluded that कौन सा गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. अभी कोई भी जो बेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड तभी इवॉल्व हो सकता है अगर आपने उसके रिएक्टेंट्स में कोई कार्बोनेट वाली चीज ली हो. तो यू नीड टू लुक फॉर टू थिंग्स. पहली चीज तो आप ये देखोगे कौन सी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. देन यू लुक बिकॉज टू पार्ट्स में है ऑप्शन. देन यू लुक फॉर द ऑप्शन जिसमें आपके पास रिएक्टेंट में कार्बोनेट प्रेजेंट भी हो. तभी कार्बोनेट के साथ ही कंबाइन करके तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है ना. कोई सोर्स होनी चाहिए रिएक्टेंट्स में. राइट, नाउ रीड द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन सेज सॉलिड एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द गैस इवॉल्व्ड इज H2. सॉलिड एक्स इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द गैस इवॉल्व्ड इज CO2. सॉलिड एक्स इज सोडियम एसीटेट and the gas evolved as carbon dioxide and solid X is sodium chloride and the gas evolved as H2. So what is the correct option? B. ठीक है, मैंने दो चीजें जो आपको बताई. Look out for carbon dioxide gas क्योंकि आपको पता है वही लाइन वाटर को मिल्क ही चेंज करेगी. And look out for one of the reactants should have that carbon dioxide in the form of carbonate. ठीक है. Coming to the next question, 11th question says, the acid which is present in apple is? Malic acid. Malic acid, right? Malic acid is present in apple, so B is the correct option. Coming to next question, it says, an acid used in lead storage batteries is? Sunai kabhi lead storage batteries? That is correct answer. पर आपने सुना है lead storage battery क्या होती है? How many of you know what is lead storage battery? Raise your hands, please. How many of you know what is lead storage battery? Nobody? Okay. जो आपकी गाड़ी में battery होती है engine में, कभी देखा है bonnet खोल के? That is lead storage battery. Rechargeable होती है. जब हम drive करते हैं तो वो recharge होती रहती है. ठीक है, तो उसमें जो acid present होता है that is sulfuric acid. 38% sulfuric acid present होता है lead storage batteries में, जो कि rechargeable storage batteries होती हैं. और गाड़ी के बोनेट को खोल के कभी देखना, वहां पर आपको बैटरी मिल जाएगी. कभी आपने चेंज करते हुए भी देखा होगा, कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो वो बैटरी खत्म हो चुकी होती है. 3 to 4 years में वो रिप्लेस करनी पड़ जाती है. ठीक है, ओके. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एसिड. अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल के जितने कंपाउंड हैं दे आर एसिडिक इन नेचर और मेटल के कंपाउंड आर basic in nature, right? So, according, try to answer this. The options are, which of the following compound is acid? First option says sodium oxide. Sodium kya hai? Metal or non-metal? Metal. Sodium is a metal. So, sodium oxide kaisa hoga nature mein? Basic. But you need to find acid. Calcium hydroxide. Calcium is a? मेटल. तो मेटल के कंपाउंड्स आर बेसिक इन नेचर. कॉपर ऑक्साइड. कॉपर इज अ मेटल. मेटल. कॉपर ऑक्साइड विल बी बेसिक. अब आपके पास बचा ही एक, तो ऑप्शन तो वही होगा. लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो नाइट्रोजन है दैट इज नॉन मेटल. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि प्लीज गो एंड
look, give a look to the periodic table. Ek look do ki kaun kaun kahan present hai. At least metals or non-metals jo extreme ends pe hote hain. Wo last ki dono line aap dekho. ठीक है, उनमें आपको मिलेंगे जो एलिमेंट्स, वो पता चलेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकोगे कि उनका नेचर कैसा है. ये जनरलाइज्ड थिंग है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मगर एस वर्ब में जो फर्स्ट वाला जो दो लाइन है उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. वो सारे के सारे बहुत अच्छे मेटल्स हैं और सारे के सारे बेसिक है नेचर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन से क्वेश्चन पे हम, वैसे आपको पता है? 14. Question says, study the given diagram carefully and identify x and y respectively. So first option. अच्छा, पहले तो डायग्राम देखो. आपके पास पहले एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें ड्रॉपर में से आप एक चीज डाल रहे हो ड्रॉप वाइज जो कि x कंपाउंड है, और नीचे कॉमन सॉल्ट है. ठीक है, एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है कि उसमें से कुछ y निकल रहा है, ऊपर कैल्शियम क्लोराइड है ट्यूब में, और यहां से जो भी निकल रहा है दैट इज टर्निंग मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. यहां से गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई है, तो जो कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रही है, दैट मींस वो आपके पास नॉन मेटल की कोई चीज होगी जो कि एसिडिक होगी नेचर में, और उस ब्लू लिटमस को रेड चेंज कर देगी. ठीक है, सो पहले वाले केस में क्या आप ड्रॉप वाइज डाल रहे हो जो कि आपको कॉमन सॉल्ट NaCl मिल रहा है आपको, उसमें बता सकते हो? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज कंसेंट्रेटेड HCl एंड द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड ऑप्शन इज दैट इट इज दिस ड्रॉपर इज गिविंग ऑफ H2SO4, और सेकंड उसमें जो गैस है वो HCl गैस है. थर्ड ऑप्शन इज कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ड्रॉपर में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंसेंट्रेटेड NaOH आप डाल रहे हो, और क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है. सो कैन यू थिंक कि क्या हो रहा होगा एग्जैक्टली इसमें, विच ऑप्शन इज करेक्ट? टेल मी, टेल मी. एनीबडी प्लीज कैन आंसर दिस क्वेश्चन. नोबडी. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी ऑप्शन. देखो, अगर आपके पास कॉमन सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, दैट मींस NaCl तभी बन सकता है जब आप ड्रॉपर से जो ऐड कर रहे हो उसमें Cl नेगेटिव आयन हो. तो यहां पर जो चार ऑप्शन पे फर्स्ट हाफ है, किसके पास Cl नेगेटिव आयन है? HCl के पास. ठीक है, सो ऑप्शन ए में आपको दोनों हाफ में, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आपको जज करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में कि एलिमिनेशन मेथड करना पड़ता है, कौन सा ऑप्शन नहीं पॉसिबल इसके लिए. ठीक है, इस तरह से देखना पड़ता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं. अब मेरे को अगर NaCl मिल रहा है तो मतलब मैं ड्रॉप में कुछ ऐसा डालूंगी कि उसमें क्लोराइड आयन हो या तो सोडियम आयन हो. ठीक है, अब यहां पर जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है उसके साथ भी उसका मैच करना पड़ेगा. ठीक है, अब एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन वाले हमने रिएक्शन पढ़े हैं, तो ड्रॉप पर मैं अगर मैं HCl ऐड करूंगी तो मुझे NaCl ऑब्टेन होगा. अब उसमें साथ में जो गैस सेकेंड ऑप्शन में इवॉल्व हो रही है, वो गैस जो ब्लू लिटमस को रेड कर रही है, मैंने बोला दैट शुड बी इन नेचर. और एसिडिक गैस कौन सी है? कार्बन एक नॉन मेटल है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक है. ठीक है, अब आप बोलोगे HCl भी एसिडिक है. ठीक है बेटा, HCl भी एसिडिक है, लेकिन आपकी ऑप्शन दूसरे पार्ट की भी मैच करनी चाहिए. Cl negative ion also. So option A is the correct answer. कि concentrated HCl आप add करोगे ताकि NaCl मिले. और second option में carbon dioxide जो है that is evolved
and carbon dioxide is acidic in nature. Now, how can you tell it कि carbon dioxide acidic है nature? मैं इसमें मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगी. एक तो मैंने आपको बोला कि आपको periodic table में जाके देखना है कि लेफ्ट साइड मेटल्स है, राइट साइड नॉन मेटल्स है. लेफ्ट की दो लाइन बहुत अच्छे मेटल्स की है, सेंटर वाले में भी मेटल्स ही है, नॉन मेटल्स है ही राइट साइड. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जाके प्लीज एक बार जरूर आपने देखना है और उसमें ये ध्यान रखना है. ये पीरियोडिक टेबल का मेन स्ट्रक्चर है. यू विल फाइंड मेटल्स हियर, ये भी मेटालिक हैं, ये बेस्ट मेटल्स हैं, दे आर बेसिक इन नेचर. नॉन मेटल्स आपको इधर इस पोर्शन में ही मिलेंगे. ठीक है, कार्बन नॉन मेटालिक है नेचर में. मैं मेन मेन एलिमेंट्स आपको बताती हूँ. कार्बन नॉन मेटालिक है, नाइट्रोजन नॉन मेटालिक है, ऑक्सीजन नॉन मेटालिक है, सल्फर नॉन मेटालिक है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर नॉन मेटल्स. ठीक है, लास्ट टाइम भी मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया था. मेटल्स कौन है, ग्रुप वन ग्रुप टू वाले, ये जो पहली दो लाइनें हैं पीरियोडिक टेबल की, कौन कौन कंप्राइज करता है इनको. इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं, इनके कंपाउंड्स के ही देखोगे तो दे विल बी बेसिक इन नेचर. ठीक है, और नॉन मेटल्स के देखोगे दे विल बी एसिडिक इन नेचर. सेकेंड थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. आप सब कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस डिसॉल्व होती है पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, CO2 plus H2O, this gives you H2CO3, which is called carbonic acid, right? तो एसिडिक है ना नेचर में. वॉटर में आप जब एड कर रहे हो इट इज एक्चुअली गिविंग यू एसिड, तो उसका नेचर एसिडिक हुआ. लाइक वी डिड बेस, बेस में पानी डालोगे तो एल्कलीज मिल रहा था, OH नेगेटिव आयन मिल रहा था. तो किसी भी गैस को अगर आप वॉटर में डिजोल्व करते हो और वो आपको एसिड देता है जो एक्चुअली एच पॉजिटिव आयन फर्निश कर सकता है, तो दैट गैस इज एसिडिक इन नेचर. नाइट्रिक एसिड आपने सुना होगा, तो NO2 डालेंगे पानी में, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तो वो भी एसिडिक होगी, तभी नाइट्रिक एसिड मिल रहा है. सल्फर की ऑक्साइड SO2, उसको पानी में डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये सारे एसिड नॉन मेटल की ऑक्साइड से बने हैं. ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप नॉन मेटल की ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हो यू गेट एसिड्स. ठीक है, these are non metal oxides. If you add water to it you get acidic nature wale compounds. theek hai, and whenever you add water to bases you get alkalis. theek hai, isme aapne water add kiya tha to alkalis aapko mili thi, which are bases which furnish OH negative ion. acids gives you H positive ion. क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. एसिड रेन सुना होगा आपने, आपने सुना होगा ताजमहल का जो मार्बल है दैट वाज टर्निंग येलो बिकॉज एसिड रेन की वजह से उसपे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है. तो एसिड रेन में क्या होता है, हमारे जो व्हीकल्स के एग्जॉस्ट है ना उनमें ये गैसेस इन्वॉल्व होंगी, CO2, NO2, SO2. ठीक है, कंबशन ऑफ फ्यूल से ये गैसेस इवॉल्व होती है जो वाटर के साथ कंबाइन करके ये एसिड देता है जिससे एसिडिक रेन होती है. सल्फ्यूरस एसिड होता है, नाइट्रस एसिड होता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड होता है. तो ये है आपका एसिडिक और बेसिक नेचर जो आपको अपनी डेली लाइफ में भी आप यूज करते हो, देखते हो. ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है.
अच्छा एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये वाटर, वाटर का जो स्ट्रक्चर है, वाटर इज लाइक H2O, तो उसमें सेंटर में ऑक्सीजन होता है और उसके साइड में दो ऐसे लोन पेयर्स, यू वोंट अंडरस्टैंड इट, पर उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके। अब वाटर के ये स्ट्रक्चर में अगर आप H पॉजिटिव, अच्छा इतना आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, जो आप बोहर मॉडल में इतना तो पढ़ चुके होंगे, है ना, कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, साइड में शेल होती है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक्चुअली उसके पास एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। H पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि उसने वो इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो एक्चुअली H पॉजिटिव तब बनेगा जब इसकी इसने ये इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचा है, पॉजिटिव चार्ज जो अंदर है प्रोटॉन, इसीलिए H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, वो तो दे चुका है वो, ठीक है, सो वी ऑल्सो कॉल इट प्रोटोन, एक ही प्रोटोन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जब भी किसी भी चीज को आपस में जुड़ना होता है ना, वी कॉल इट बॉन्डिंग, जब कंबाइन करते हैं चीजें तो हम बॉन्ड बनना बोलते हैं उसको, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए, जुड़ने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, ठीक है, तो इसके पास तो है ही नहीं, हमने देखा एक ही था, वो भी दे दिया, तो इसको वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और ये मिलके, दो तो इसके पास ऑलरेडी थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो फ्री थे, ये दूसरा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये वो बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लेता है, क्योंकि H पॉजिटिव प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसके साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव बनाता है, विच इज कॉल्ड, डू यू नो व्हाट इज इट कॉल्ड, H3O पॉजिटिव, Anybody? This is called hydronium. This is the formation of hydronium ion. कैसे बनता है hydronium ion? पानी के साथ proton attachment से. Proton उसके पास कोई electron नहीं है. तो water दोनों electron दे देता है अपने H positive को. क्योंकि जुड़ने के लिए bond बनाने के लिए two electron are necessary, so that is given by water and they give you this hydronium ion. Aapko use hogi throughout chemistry mein formation of hydronium ion aur aap proton bhi isme samajh gaye, theek hai, okay, ek cheez aur batate hu, jaise ki aapke paas hai HCl है आपके पास, ठीक है, HCl जो है वो गैशियस सॉल्यूशन में भी, गैशियस फॉर्म में भी हो सकती है या वो एक्वस सॉल्यूशन में भी हो सकती है, ठीक है, मतलब फर्क समझते हो इसका गैशियस फॉर्म में होना और एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, व्हाट डू वी ऐड टू मेक एन एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी चीज में क्या ऐड करते हो, इनको जब आप वॉटर में डिजोल्व करते हो तो एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, OH नेगेटिव आयन, इन आयन्स की वजह से, इन आयन्स की से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, ठीक है, आयंस जब भी मूव करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, कंडक्टेंस बढ़ती है,
सी, दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं. कंडक्टर्स आपको पता है, कंडक्टर्स हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ठीक है, तो दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, एक होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. ठीक है, वन इज मेटालिक कंडक्टर एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. ठीक है, अब मेटालिक कंडक्टर क्या है? वायर्स. हमारे रूम में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है, वायर्स जो भी कनेक्टेड हैं, इसमें क्या है? मेटल्स हैं. कॉपर की वायर्स होती हैं. ठीक है, कॉपर क्या है? मेटल है. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं. ये जो मेटालिक कंडक्टर हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक सिमिलर, एक डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शनल फ्लो बोलते हैं उसको. एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. लेकिन दूसरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि जैसे आपकी लेड स्टोरेज बैटरी हमने पढ़ी थी, हमने कहा हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं. किस लिए डालते हैं? वो एच पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा. क्या करना है उसका हमने? एच पॉजिटिव आयन का कोई भी चीज जो हम ऐड कर रहे हैं, इफ इट फर्निशेस आयंस, आयंस अगर मूव करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. ठीक है, आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. इलेक्ट्रिसिटी का ये मतलब नहीं जो चीज आपको करंट दे रही है. आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हो, उसके अंदर बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, आयन, लिथियम आयन बैटरी, आयन सुना है? आयन, यही आयन जब मूव करेंगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, सिंपल लैंग्वेज में. तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तभी आप अपना फोन यूज कर सकते हो ना. ठीक है, जब आप उसको आपने उसको चार्ज करना होता है तो अब आप चार्जर के साथ कनेक्ट करते हो, लेकिन जब तक आप यूज कर रहे हो, दैट इज डिस्चार्जिंग. ठीक है, उसको यूज कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है ऐसा कि आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी वो ऑब्टेन करके उसको यूज कर सकते हो? उसमें ये आयंस की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें से क्या क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ड्राई HCl है या HCl गैस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में. लेकिन अगर उसी का एक्वस सॉल्यूशन आपके पास है तो उसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगी, और जब भी आयंस मूव करेंगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. गॉट इट? समझ आया बेटा? यस. ठीक है, यू गेट दिस क्वेश्चन? तो आपको याद रखना है ये आयंस, एसिड और बेस जो फर्निश कर रहे हैं, उनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए भी. आपस में मिलके न्यूट्रलाइज होती हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन करना अभी? Which of the following phenomenon occur when a small amount of acid is added to water? क्या होता है जब पानी ऐड करते हैं एसिड में? ठीक किया. Ionization. दो चीजें होंगी, आयंस बनेंगी. और जैसे कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, मैंने एक आधा ग्लास पानी लिया, उसमें मैंने 10 स्पून शुगर के डिसॉल्व कर दिए, वो पूरा घना सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया. अगर मैं और वाटर ऐड करती हूँ, वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है. वो कंसंट्रेटेड मतलब वो घना रहेगा. ठीक है, काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें होगा. व्हेन यू वाटर वाटर टू इट, इट बिकम्स डाइल्यूट. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3. 1 सेज आयनाइजेशन, 3 सेज डाइल्यूशन. ठीक है, next question. In an attempt to demonstrate electrical conductivity through electrolyte, which of the following apparatus, the following apparatus was set up? Which among the following statement is correct? First option says bulb will not glow because electrolyte is not. Second option says bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction. Third says bulb will not glow because circuit is incomplete. And fourth says bulb will not glow because it depends upon the type of electrolyte solution. So can you tell me, in mein se kaun se statements correct hain?
क्या बल्ब ग्लो करेगा? टेल मी. फोर्थ. B says bulb will glow because NaOH is a strong base and furnishes ions for conduction. आपने NaOH dilute NaOH उसमें put किया है. Dilute NaOH उसको hydroxide ion देगा, Na positive ion देगा. Ions की movement से electricity conduct होगी and bulb will glow. ठीक है. और ये strong electrolyte है तो completely dissociate भी करेगा. Weak होता तो इतना अच्छा conductance नहीं होता है. क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एसिड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, ऐसे एसिड्स को बोला जाता है ऑक्सी एसिड्स. जिसमें से तीन हमने आज किए. एक हमने किया कार्बोनिक एसिड, एक हमने किया सल्फ्यूरिक एसिड, एक हमने किया नाइट्रिक एसिड. ठीक है. तो इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जिनमें होता है, ऐसे एसिड्स को बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स. ठीक है. आपको स्ट्रक्चर याद रखने की भले जरूरत नहीं है, बट देखो यहाँ पर OH है इन सब में. O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, सो दे कैन इजिली फर्निश देयर H पॉजिटिव आयंस एंड दे आर ऑक्सी एसिड्स. 18th question says which one of the following can be used as an acid base indicator by visually impaired student. Olfactory indicator आप इसमें यूज कर सकते हो एंड द आंसर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड एसिड. जितने एच पॉजिटिव इज कॉल्ड बेसिसिटी. ठीक है. सो द आंसर इज बी विच इज बेसिसिटी. Next question. Which of the following equations represents the reaction that occurs when nitric acid is added to eggshell? Eggshell में present है calcium carbonate. जब calcium carbonate nitric acid के साथ react करता है, you get calcium nitrate. साथ में carbon dioxide and water. So the correct option is B. B. ठीक है. 21st question. Aman added a few milliliter of concentrated sulfuric acid to zinc granules. Which of the following? Excuse me, ma'am. Anji. Ma'am, please repeat the 18th question. 18th question. Okay. 18th question says which one can be used as an acid base indicator by visually impaired student. अगर कोई देख नहीं सकता तो वो कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेगा. तो देख नहीं कर सकता तो स्मेल तो कर सकता है ना. तो जैसे हम बेकिंग के लिए वेनिला एसेंस डालते हैं, एक छोटा सा वो आता है जिसमें बेकिंग के टाइम पे भी आपको उसकी खुशबू फील होती है. तो जो भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो एक विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट यूज कर सकता है. ठीक है. तो इसमें हमने जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर किया था, हमने एक अनियन किया था, एक ये वेनिला एसेंस का किया था. तो ही कैन यूज वेनिला एसेंस फॉर दिस. ठीक है. वो जो फ्लेवर जो आता है ना, फ्लेवर बेकिंग के लिए छोटी सी इतनी सी बॉटल आती है वेनिला एसेंस की, डार्क ब्राउन से कलर की होती है, वो आपको केक में वेनिला वाला फ्लेवर देगा. ठीक है. तो वेनिला एसेंस जो है वो यूज हो सकता है एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ठीक है. तो ये बेस वाले क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे और बेस वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. एंड प्लीज कम विद योर डाउट्स. थैंक यू मैम. मैं लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट करना मैम. लास्ट क्वेश्चन रिपीट करना. लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन. वी डिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन दैट अकर्स विद नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग्शेल. एग्शेल में नाइट्रिक एसिड डालोगे तो क्या होगा? तो एग्शेल में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसमें आप अगर
नाइट्रिक एसिड पुट करते हो विच इज HNO3, यू गेट कैल्शियम नाइट्रेट. ठीक है, कैल्शियम का 2 पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रेट का -1, तो ये क्रॉस होके CaNO3 ट्वाइस बन जाएगा एंड साथ में यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस मेक्स द ऑप्शन बी द करेक्ट वन. ठीक है, ओके बेटा. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप करके आना, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे. बाय मैम. बाय बाय.